खेलो इंडिया गेम्स का आज पांचवा दिन बॉक्सिंग के मुकाबले होंगे। 20 पदकों के लिए मुक्केबाज दिखाएंगे जोश और दमखम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज पांचवा दिन है। आज से बॉक्सिंग प्रतियोगिता शुरू हो रही है। मेजबान हरियाणा की निगाहें भी इस खेल में अधिक से अधिक पदक जीतने पर होगी। आज सीएम मनोहर लाल भी प्रतियोगिताएं देखने के लिए पहुंचे। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कुल 20 पदकों के लिए खिलाड़ी जौहर दिखाएंगे। इस साल ओवरऑल चैंपियन बनने का हरियाणा का लक्ष्य इस बात पर निर्भर हो सकता है कि बॉक्सिंग में राज्य के मुक्केबाज कितने स्वर्ण जीतने में सक्षम होंगे। मेजबान टीम के कोच राजवीर ने घोषणा की कि हमारी नजर बॉक्सिंग में 15-16 स्वर्ण जीतने पर टिकी हुई है। हरियाणा खेमा अपने मुक्केबाजों के दम पर निडरता से मुकाबला करने को तैयार है। हम अतीत में भी रिंग पर हावी रहे हैं और हम यहाँ फिर से ऐसा करेंगे। हमने अपने शीर्ष जूनियर मुक्केबाज उतारे हैं, जिनमें लड़कों और लड़कियों दोनों में कुछ मौजूदा एशियाई चैंपियन भी शामिल है और हम उनसे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करते हैं। महाराष्ट्र भी अपने मुक्केबाजों की टीम के साथ कड़ा मुकाबला करने के लिए तैयार है। हरियाणवी मुक्केबाजों में गीतिका 48 किलोग्राम, खुशी 63 किलोग्राम, मुस्कान 66 किलोग्राम, लशु यादव 70 किलोग्राम और विजेंदर सिंह की भतीजी तमन्ना 50 किलोग्राम शामिल है। लड़कों में वंशज 63.5 किलोग्राम, दीपक 75 किलोग्राम और विशाल 80 किलोग्राम भी कुछ ऐसे हरियाणवी खिलाड़ी हैं जो नॉकआउट पंच देने का इंतजार कर रही हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।